गाइज ये है बीम्स का लैपटॉप जो हमने फाइनली परचेस कर लिया है और इसको हम अब दिखाने वाले हैं आपको अनबॉक्सिंग करके। तो उससे पहले कैसे हो गाइज, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। जल्दी से हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा लैपटॉप हमारा ये आया है सिंपली। तो बिना टाइम गवाए इसको अनबॉक्स करते हैं, लेट्स गो। सो गाइज इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस है इसका 59,999 रुपये, यहाँ पर देख सकते हैं गाइज आप। अब कट करेंगे, ये यहाँ से हमने कट कर दिया, ये लगी हुई है रेड कलर की। अगर ये टूटी हुई है तो आप इसका एक्सेप्ट ना करें, इसे ना लें अगर टूटी हुई आती है तो यहाँ पे गाइज ये बिल्कुल सही है और यहाँ पे हमने इसको काट दिया है, ये कट गया और यहाँ से सिंपली हमारा लैपटॉप इसमें से निकलते हुए बाहर। ये है गाइज लैपटॉप, ये इसका बॉक्स है, ये इसको अलग को डालते हैं हम और यहाँ पे बाकायदे पूरी पिन इस पर है लगी हुई है, हम इसको डालते हैं जल्दी से। ये देखो ये हमने इसकी पॉलीथीन हटाई और इसको भी हम इधर से हटा देते हैं, ये हटा दिया हमने इधर से। वाह ये निकला गाइस लैपटॉप कुछ इस प्रकार से बॉक्स में, इसको हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं आप ही के सामने। ये हमने यहाँ से ओपन करा, ये ओपन हो चुका है यहाँ से गाइस। वाह और इसके अंदर एक और बैग हमको मिला, इसके अंदर रखा हुआ है हमारा लैपटॉप। तो फाइनली गाइस ये है लैपटॉप जिसको हम दिखा देते हैं पूरा आ रहा है। वाओ विंग्स का लैपटॉप बिना स्क्रेच के बिल्कुल साफ, और इसको हम खोल कर यहाँ से दिखा दें, देख सकते हैं गाइस बिल्कुल न्यू है, चिट भी यहाँ पर लगी हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी की चिट आती है। सबको ऑन किया, ये चार्जर है कुछ इस प्रकार से, चार्जर ज़्यादा बड़ा नहीं है गाइस, आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं अपने पॉकेट में डालकर भी, इतना बड़ा इसका चार्जर है गाइस। हम इस लैपटॉप को अब ऑन करने वाले हैं, यहाँ पर कीबोर्ड जो है काफ़ी अच्छा, मुझे प्रीमियम लुक लग रहा है कीबोर्ड का, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और अभी मैं आपको दिखा दूँ इसमें एक शटर कैमरा दिया हुआ है जो मैं आपको पास से यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो गाइज ये दिया हुआ है यहाँ पे शटर कैमरा देख सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको बंद भी कर सकते हैं इस तरह से, ये हमने बंद कर दिया और इसको इस तरह से हम इसको खोल भी सकते हैं, तो इससे वीडियो कॉलिंग करने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। डुअल स्पीकर है, एक स्पीकर ये दिया हुआ है यहाँ पर और एक स्पीकर गाइज ये दिया हुआ है। ठीक है ना, टाइम का भाई जल्दी से करते हैं ओपन। यहाँ पे हमने इसको प्रेस किया पावर बटन को थोड़ी देर और हटा दिया इसमें से। सो गाइज अभी है ये डाउन, तो हमने इसको लगा दिया चार्जिंग पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट ये लगा हुआ है और ऊपर हमारा चार्जर लगा हुआ है, तो अभी हमने इसको चार्जिंग पर लगा दिया, उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे जल्दी से और दिखाते हैं आपको। जब तक दोस्तों ये ऑन होता है उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, बैटरी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 125 mAh की बैटरी है इसके अंदर, मेमोरी कार्ड स्लॉट भी और USB इंटरफेस भी है इसके अंदर, और हेडफोन जैक भी है, HDMI इंटरफेस भी है, चार्जिंग टाइप सी है इसके अंदर, कीबोर्ड लेआउट US वाला है। और अदर फीचर्स की बात करें, कैमरा, माइक्रोफोन, बिल्ड क्वालिटी, स्पीकर्स, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड मिलेगा। और बाकी अदर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं इंटेल और i5, और इसकी रैम रोम की अगर हम बात करें तो रैम इसके अंदर गाइज आ जाती है 8GB रैम, 512 SSD, और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं गाइज स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दी गई है इसकी DDR4 रैम और ये इसके अंदर IBC कैमरा शटर यहाँ पर दिया हुआ है, विंडो 11 के साथ ये आता है, मेटल बॉडी है इसकी एल्युमिनियम की, फुल HD IPS डिस्प्ले है इसके अंदर। तो अभी हमने स्पेसिफिकेशन की बात यहाँ पर कर ली, अब इसको हम जल्दी से ऑन कर लेते हैं। अभी हमने इस पर चार्जिंग पर लगाया था, अब तक तो चार्ज हो चुका होगा ये, तो लेट्स गो फाइनल स्विच ऑन। गाइज देखो यहाँ पर ऑन होता हुआ लैपटॉप, यहाँ पर इसकी बैटरी गाइज रेडी हो चुका है लैपटॉप खोलने के लिए। यहाँ पर हम इस पर यस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर कुछ और इंटरफेस आएगा, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। बाकी गाइज तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं फिर ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सालिम के ब्लॉग। फिर हम वाईफाई कनेक्ट करने के बाद में इसको पूरा प्रोसेस कर लेंगे, और अगर आपको चाहिए लैपटॉप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।